हेलो गाइज, तो आज की वीडियो ऑनिस्टा के राउंडिंग यानी इमोजी एंड न्यू फंड के ऊपर होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से वॉच नहीं करोगे तो कुछ आप इस प्रकार के कमेंट करने वाले हो, और जो लोग वीडियो को पूरा देख लेंगे वो इस टाइप के कमेंट करने वाले हैं। तो कैर प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा। हेलो गाइज, तो मैंने दो दिन पहले गाइज एक कमेंट टैब डाला जिसमें गाइज मैंने पूछा था कि कौन से टॉपिक पर वीडियो लाऊं, तो सबसे ज़्यादा वोट आए थे वो थे गाइज रियल राउंडिंग के ऊपर। तो गाइज उस राउंडिंग पर वीडियो लाने वाला था, लेकिन तब तक मैंने कमेंट बटा कि लोगों का ऑप्शन आ रहा है कि जी बॉक्स में ओपन नहीं हो रहा है, किसी का जी बॉक्स में टाइम रेड नहीं हो रहा है, तो किसी के अंदर जी बॉक्स नहीं दिखा रहा, तो बहुत इशू आ रहा है जी बॉक्स का। तो अभी गाइज मैंने ऐसा ऑनिश चलाया जिसके अंदर आपको जी बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट जी बॉक्स के अंदर आपको टाइमर मिलने वाला है, एकदम रियल टाइमर मिलने वाला है जो कि ऑनिस्टा के अंदर ही आएगा। सबसे पहले गाइज ऑनिस्टा को मैं ओपन करूँगा और ये कौन सा वर्जन है, आपको कहाँ से लिंक मिलेगा, वो सब मैं इसके वीडियो को एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है गाइज। इस पर कोई पासवर्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और अगर इसी वीडियो के अंदर विदाउट जी बॉक्स के अंदर ही मैं गाइज आपको टाइमर ऐड करके दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर लोगे, और यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको थोड़ा सा एक दो सेकंड आपको वेट करना है यहाँ पे, तो गाइज ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन को टैप करोगे एंड गाइज यहाँ पे जाके गाइज जो भी आपका ऑफिशियल अकाउंट होगा उसको यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। मेरा और ऐड है तो मैं उसको लॉगिन कर दूंगा, आप अपना लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप का नाम है, आप डिसमिस करते हैं आपका ऑटोमेटिक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा विदाउट किसी परमिशन के बिना, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे तीन सेटिंग करने हैं मैन, जिसमें आपको फंड कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे आपको रियल टाइमर को आप यहाँ से ला सकते हो। तो गाइस सिंपली से अब आपको यहाँ पे जो होम आइकॉन के ऊपर दिख रहा है आपको थीम्स वाला, उसके ऊपर टैप करना है, यहाँ पे ऑनिस्टा सेटिंग में चले जाना, ठीक है। अब गाइस आपको थीम एंड यूआई के अंदर आना है यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आपको इमोजी टाइप दिख रहा होगा, इमोजी टाइप के अंदर आना है, और गाइस आपको यहाँ पे iOS 16 वाली जो इमोजी दिख रही है उसको यूज़ एंड डाउनलोड के ऊपर टैप करना है, तो आपकी गाइस वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस आपको ऐड फंड इसके ऊपर नहीं जाना, नीचे वाला ऐड फंड ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर जाना है, और इसका फंड का इमोजी का गाइस मैं आपको सबको लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से हम सारी फंड को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लोकल फंड में जाऊँगा क्योंकि मैंने फाइल आपको दी है उसी को ऐड करना है जो कि आयुष वाली बोल्ड फंड रहेगी। तो इस प्रकार से आपको फंड मिलने वाली, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक फंड को ऐड करना पड़ेगा। इसको किया ऐसे सेलेक्ट करोगे तो ये देखो ऐसे नीचे कैसे ऐड हो रही है, उस टाइप से आपके सामने एक एक फंड को कहिए आपको सिंपली से ऐसे से करके सबको एक एक करके 12 फंड है, 12 बार आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते मैंने इस टाइप से बहुत सारी फंड को ऐड कर रहा हूँ, आपको सिंपली से एक एक करके गए सारी फंड को ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो इस टाइप से आप सारी फंड को एक एक करके ऐड कर सकते हो यहाँ पे, तो गाइस वो आपके आपके हिसाब से ऐड कर देना। मैं गाइस अभी आपको दूसरा सेटिंग जो इसका मेन सेटिंग है वो आपको बता देता हूँ, आपको एडवांस सेटिंग का देना। एंड गाइस यहाँ पे आपको 9% स्टोरी को एक्टिव करना है, 16% स्टोरी को भी एक्टिव कर देना है। अब गाइस यहाँ पे सर्च करना है आपको सिंपली से दो अक्षर डेवलपर, ठीक है। डेवलपर सेक्शन को ऑन कर दोगे एक्टिव हो जाएगा गाइस यहाँ से, ठीक है। अब आपको गाइस क्या करना है, एक बार ऑनिस्टा को यहाँ से गाइस रीस्टार्ट करके वापस रीस्टार्ट करके ऑप्शन आपको ऑन कर देना, तो गाइस मेरा ऑनिस्टा वापस से ऑन हो रहा। तो अब गाइस जाऊंगा मैं ओन आउट में टैप करूंगा, गाइस यहाँ पे लोडिंग लेगा थोड़ा सा। एंड गाइस अब जो हमारा जो मैन सेटिंग है वो गाइस अपन को यही करना है, तो क्यू कैन वॉडिफाई को भी सेटिंग को भी टैप करोगे। एंड यहाँ पे गाइस आपको सर्च करना है सिर्फ ध्यान से क्लिप्स एंड ब्रांडिंग, ये ऑप्शन आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो सारे ऑप्शन को आप यहाँ से इनेबल कर दोगे एक एक करके, ठीक है। इनको इनेबल करने के बाद आपको ऑनिस्टा को वापस से रीस्टार्ट करना है, वापस से आप ऑनिस्टा को एक बार से ओपन कर लोगे। तो गाइस मैं फिर से वेट करता हूँ ऑनिस्टा का ओपन होने का, तो गाइस ऑनिस्टा मेरा ओपन हो गया। तो अब गाइस मैं एक रील्स के ऊपर सेक्शन के में जाऊँगा एंड यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी रील्स को मैं यहाँ से प्रीव्यू के लिए ले लूँगा। तो गाइस चलो मैं ऐसी रील्स को नहीं, कोई भी अच्छी रील्स को पकड़ता जाए, ये वाली रील्स इसी को पकड़ के गाइस मैं अपलोड यहाँ से कर लेता। तो ऐड स्टोरी करने के लिए मैं वेट टाइमर वर्क कर रहा है, तो गाइस टाइमर को थोड़ा सा बड़ा कर दे। अब गाइस बहुत सारे बोलते हैं गाइस इसके जो नीचे जो ऑडियो वाला ऑप्शन आ रहा है उसको कैसे रिमूव करते, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको रिमूव करना। तो पहले आपको रील्स को थोड़ा सा बड़ा करके आपको सेट कर देना है। अब गाइस आपको मीडिया में जाना है, यानी ऐसे गाइस इमेज के ऊपर सेक्शन के ऊपर जाना, यानी गाइस आपको इमेज के ऊपर जाकर थोड़ी सी गाइस इमेज को एक जो मैं आपको PNG देने वाला PNG आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है। तो गाइस मैं PNG को यूज़ करता हूँ, कैसे कोई भी एक PNG को यूज़ कर लेते, ये वाले PNG यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको गाइस थोड़ा सा गाइस मैं इस प्रकार से बड़ा करके लगा दूंगा, बराबर इसको सेट कर दूंगा, इसको गाइस मैं इस प्रकार से कुछ सेटिंग कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारा रेंज है वो इस प्रकार से एकदम परफेक्टली बन चुकी है, और इसके ऊपर